नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं उस साम्राज्य के बारे में जो भारत के सबसे सूरवीर साम्राज्य में से एक कहलाता है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं सिख साम्राज्य के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूं रंजीत सिंह के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। ये जो सिख साम्राज्य है, इसके साथ अंग्रेजों ने ऐसा कौन सा षड्यंत्र चला, कौन सा ऐसा षड्यंत्र किया जिसकी वजह से ये सिख साम्राज्य भी अंग्रेजों के अधीन आ गए, इस कहानी को आज हम सभी समझेंगे। तो कहानी शुरू होता है गुरु गोविंद सिंह जी के मृत्यु से। गुरु गोविंद सिंह अपने जीवन काल में ही ये घोषित कर दिए थे कि मेरे बाद सिख धर्म में कोई भी गुरु नहीं होगा सिवाय श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। यानी वो साफ शब्दों में ये हिदायत दे दिए थे कि मेरे बाद गुरु के सत्ता पर अगर कोई है अनंत काल तक के लिए तो वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी का मृत्यु हो जाता है, गुरु के सत्ता पर बैठे होते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों का नेतृत्व संभालते बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का मूलों से चल रहा था युद्ध, लगातार युद्ध चलते आ रहा था। इस युद्ध में जब बंदा बहादुर का फर्रुखसियार से युद्ध हुआ, वैसे तो फर्रुखसियार एक कमजोर मुगल बादशाह था, लेकिन उसके बावजूद मुगलों की एक बड़ी विशाल सेना की वजह से बंदा बहादुर इस युद्ध को हार जाते हैं और मारे जाते हैं 1716 ईस्वी में। इस मृत्यु के बाद सिख नेतृत्वहीन हो गए। कोई ऐसा शासक नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिखों को एक लय में ले जा सके, उसका नेतृत्व कर सके, और उसकी वजह से सिख जो समुदाय थे वो बटना शुरू हो गए। एक तरफ बदाई, ये जो बंदाई टीम के लोग थे वो लिबरल्स थे, उदारवादी, और एक तरफ थे टट खालसा। टट खालसा जो थे वो रूढ़िवादी, यानी दोनों विचारधारा एक दूसरे के विपरीत, और इस वजह से सिखों में और अधिक डिवीजन होने लगा, आपस में टूटने लगे। तभी 1721 ईस्वी में भाई मोरी सिंह आते हैं और वो इन सब दोनों को, यानी कि एक तरफ ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी और एक तरफ लिबरल्स यानी उदारवादी, इन दोनों को एक साथ एकजुट करने का प्रयास करते हैं। 1784 ईस्वी में कपूर सिंह फैजलपुरिया आते हैं और ये कपूर सिंह फैजलपुरिया सिखों के पूरे टीम को एक साथ मिलाते हैं और दल खालसा नाम से एक, कह सकते हो, अम्ब्रेला गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। ये जो दल खालसा था, इसी के तहत सारे के सारे सिख समुदाय को एक साथ करना था और ये दल खालसा आगे जाकर के दो भागों में बटा, एक तरफ बूढ़ा दल और एक तरफ तरुण दल। नाम से ही पता चल रहा है, बूढ़ा दल यानी एक्सपीरियंस होल्डर, तरुण दल यानी एनर्जी से भरे हुए लोग। आगे जाकर के ये सिख धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे थे और एक तरफ मुगल कमजोर होते जा रहे थे, और उसी वक्त मुगलों पर आक्रमण होता अफदाली का, अहमद शाह अफदाली। एक तरफ अहमद शाह अफदाली का आक्रमण, मुगल पहले से कमजोर हो रखे थे, इन सभी चीजों का फायदा उठाकर सिख अपने आप को आगे बढ़ाने लगे और सिख पूरे के पूरे सिख समुदाय को, पूरे के पूरे सिख साम्राज्य को मिसल में बांट देते हैं। मिसल यानी मिलिट्री बेस, जिसका उर्दू में अर्थ होता है इक्वल यानी बराबर। ये मिसल में बांटते हैं और यही ये टोटल 12 मिसल होता है, तो 12 मिसलों में सिख बट जाता है। तो सिख समुदाय अब 12 मिसलों में बढ़ चुका है और इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल है सकुचूरिया मिसल, जिसके नेता थे, जिसके लीडर थे, जिसके प्रमुख थे माहन सिंह। माहन सिंह के घर में एक बहुत बड़े शख्सियत का जन्म होता है 2 नवंबर 1780 में, जिनका नाम था रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह जब 12 के हुए, तभी 1792 ईस्वी में 1792 में रंजीत सिंह के पिता माहन सिंह का मृत्यु हो जाता है और महज 12 साल की उम्र में रंजीत सिंह राजगद्दी पर बैठते हैं। धीरे धीरे समय बीतते गया, 12 मिसल में से एक मिसल सकुचूरिया मिसल को छोड़ करके सारे के सारे मिसल
कमजोर होते जा रहे थे। रंजीत सिंह एक बालक कम उम्र के होने के बावजूद ताकत बुद्धि में काफी तेज थे। ये सभी मिसलों को इकट्ठा करना शुरू किए, सबों को कंबाइंड करना शुरू किए। 1799 का वक्त चल रहा था, 12 के 12 मिसलों को रंजीत सिंह साम दाम दंड भेद सबों का इस्तेमाल करके आपस में जोड़ लेते हैं और सिख साम्राज्य को एक मजबूत बेस में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़े रंजीत सिंह। 1805 ईस्वी का वक्त आया, जम्मू कश्मीर को जीते, अमृतसर को जीते, आगे जाकर के लाहौर को अपना राजनीतिक राजधानी और अमृतसर को अपना धार्मिक राजधानी बना लेते हैं। नेपालियों के साथ दोस्ती बनाए, डोगरा के साथ दोस्ती बनाए। रंजीत सिंह डिप्लोमेसी अच्छे तरीके से जानते थे, राजनीति अच्छे तरीके से जानते थे, कूटनीति अच्छे तरीके से जानते थे। ये रंजीत सिंह का व्यक्तित्व ही था कि अंग्रेज भी इस रंजीत सिंह से खौफ खाते थे। इतिहास गवाह कि अंग्रेजों का भी हिम्मत नहीं हो पाया कि रंजीत सिंह से भिड़ गए। जो अंग्रेज मुगलों को समाप्त कर दिए, मराठाओं को खत्म कर दिए, मैसूरों को खत्म कर दिए, रंजीत सिंह के साथ पंगा लेने का हिम्मत इन अंग्रेजों के पास भी नहीं था। तो रंजीत सिंह के शख्सियत और उनके व्यक्तित्व को आप यूं ही अंदाजा लगा सकते हैं। रंजीत सिंह अपने आर्मी को यूरोपियन तर्ज पर ट्रेंड कर रहे थे, फ्रांसीसियों से मदद लेते थे, फ्रांसीसी आर्मी को अपने यहां पर रिक्रूट करते थे, फ्रांसीसी कोच को ट्रेनर को अपने यहां पर रिक्रूट करते थे और पूरे यूरोपियन तर्ज पे अपने पूरे आर्मी को ये तैयार कर चुके थे और अंग्रेजों का हिम्मत नहीं था कि रंजीत सिंह से भिड़ जाएं। अब बात होता है रंजीत सिंह के बारे में, तो देखते रंजीत सिंह का अंग्रेजों के साथ कैसा संबंध था। अंग्रेज इस रंजीत सिंह से खौफ खाते थे, हिम्मत नहीं था कि उनसे भिड़ पाए। ये अंग्रेजों के साथ अलायंस किए, यानी कह सकते हो कि अंग्रेज इनके साथ अलायंस किए कि ना हम तुम पर आक्रमण करेंगे ना तुम हम पर आक्रमण करो, दोनों मिलकर के व्यापार करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे। इधर नेपोलियन कमजोर हो रहा था, रंजीत सिंह का फ्रांसीसियों के साथ अच्छा संबंध था और अंग्रेज जान रहे थे कि नेपोलियन कमजोर हो रहा है तो इसका फायदा उन्हें तो जरूर से मिलेगा। और उसी के तहत एक ट्रीटी होता है 25 अप्रैल 1809 में। यह ट्रीटी हुआ रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। ट्रीटी यह था कि सतलज नदी के पश्चिम तक रंजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन रहेगा। ना अंग्रेज रंजीत सिंह के क्षेत्र में आक्रमण करेंगे ना रंजीत सिंह अंग्रेजों के क्षेत्र में आक्रमण करेंगे। एक अच्छा ट्रीटी यहां पर स्थापित कर लिया गया जिसमें दोनों में से किसी को ना नुकसान ना वैसा कोई घाटा। बाद में मुल्तान कश्मीर और भी कुछ एरिया पर रंजीत सिंह आक्रमण करते हैं, अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। अंततः अंग्रेज एक बैक एंड में एक चाल चल रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसमें वो मोहरा बनाए थे सिंध को, जो मैंने आपको आखिरी अपने वीडियो में बताया था। और वो दौर आता है उसी मोहरे वाले वक्त का, 1838 के वक्त का। अंग्रेज त्रिपक्षीय ट्रीटी करते हैं, त्रिपक्षीय संधि, एक तरफ रंजीत सिंह, एक तरफ सिंध और एक तरफ अंग्रेज। इस त्रिपक्षीय संधि में अंग्रेजों को पूरी तरीके से फायदा था, ना रंजीत सिंह को फायदा। सिंध तो भाई नुकसान में पड़ गया, वो तो शिकार ही बन गया। आगे ये संधि ऐसे ही चलता है, आगे जाकर के रंजीत सिंह का मृत्यु होता है, वहां से सिख अब कमजोर होने लगे। अंग्रेज इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और अब शुरू होता है आंगल सिख युद्ध। तो चलिए अब समझते हैं आंगल सिख युद्ध को। तो अभी तक में हमें ये बात तो समझ में आ गया है कि ये जो पंजाब है, इस पंजाब के सबसे ताकतवर सितारे का मृत्यु हो चुका है और पंजाब का हाल अब दिन ब दिन बदतर होने वाला है, क्योंकि एक मजबूत नेतृत्व के कमी में कोई भी साम्राज्य, कोई भी सल्तनत टिक नहीं पाता है। तो ये पंजाब कैसे टिक पाता। रंजीत सिंह का जब मृत्यु हुआ तो गद्दी पर बैठते हैं उसके एकमात्र वैध पुत्र खड़क सिंह, लेकिन ये अल्प बुद्धि के थे, जल्द ही राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए और इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बैठते हैं रंजीत सिंह के दूसरे बेटे नव निहाल सिंह, वो भी
दरबारी षड्यंत्र का शिकार बन गए और अब बैठते हैं अवैस्क पुत्र दलीप सिंह। जब दलीप सिंह गद्दी पर बैठे तो उनकी मां जिंद कौर वो उनकी संरक्षित बनकर के गद्दी पर बैठती है। लेकिन दरबारी में षड्यंत्रकारियों की कमी नहीं थी जो इस सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते थे, और अंग्रेजों को ये इस बात का एहसास हो चुका था कि सिखों के पास अब कोई ताकतवर नेतृत्व नहीं है और इस वक्त का फायदा उठाया जा सकता है। सिख इंतजार में थे और उसी बीच में सिख साम्राज्य की सेना सिख सल्तनत के लोगों से आपस में मनमुटाव मतभेद हो रखा था और अंग्रेज इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे थे, और यहीं पर नींव तो खुद ही गया था और अब इमारत बनना शुरू हो चुका था प्रथम आंगल सिख युद्ध का, पहला अंग्रेजी और सिखों का युद्ध जो कि 1845 से शुरू होकर के 1846 में एक साल में खत्म होना था। इस युद्ध में हुआ क्या, अंग्रेजों के साथ रंजीत सिंह के हुए एक संधि के तहत सतलज नदी के पूर्व में अंग्रेजों का हिस्सा होना था और पश्चिम में सिखों का, यानी कि सतलज इन दोनों के बीच की सीमा रेखा थी। सिख सेना वो अंग्रेजों पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को ऐसे ही किसी बहाने का इंतजार था, और उसके बाद अंग्रेजों ने धावा बोला और उस धावे में सिख सेना हार जाते हैं, सिखों को मात खाना पड़ता है, और इस मात के बाद अब एक संधि होता है जिस संधि को लाहौर के संधि का नाम दिया गया जो कि 1846 में हुआ। ये इस संधि में अंग्रेज लगभग में अपने सारे स्वार्थ की सिद्धि को करने का भरकस प्रयास करते हैं और सिखों के बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधीन करवा लेते हैं, बहुत सारे नियम कानून व्यवस्था संधि अपने इच्छानुसार लागू करवा लेते हैं। ये बात सिखों को बर्दाश्त नहीं होता और इसी कारण से सिख फिर बगावत कर बैठते हैं, और इस बार होता है भोरवाल की संधि। ये भोरवाल की संधि का मुख्य कारण बना था कश्मीर, क्योंकि पिछले लाहौर संधि में कश्मीर सिखों से अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था और ये सिख वापस उसे चाहते थे, और ये संधि तो हुआ, सिखों का इसमें कुछ खास काम नहीं बना, उल्टा नुकसान हो गया क्योंकि जिंद कौर को उसके कुर्सी से उसके सत्य से उठा करके हटा दिया गया, नीचे कर दिया गया, निकाल दिया गया अंग्रेजों के दबाव की वजह से, क्योंकि अंग्रेज जान रहे थे कि ये जिंद कौर एकमात्र ऐसी ताकतवर शख्सियत बची है सिखों में, काफी हद तक शिकस्त दे सकती है, मुकाबला दे सकती है और मात देने का प्रयास भी कर सकती है। अब स्थिति बदलता है और स्थिति बदलने के बाद दौर आता है दूसरे युद्ध का, दूसरे आंगल सिख युद्ध का, जो कि 1848 से शुरू होकर के 1849 तक चलना है। भोरवाल की संधि ये सिखों के लिए काफी शर्मनाक साबित हुई, ये सिखों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और सिख जितने भी लोग थे वो अंग्रेजों से बदला लेने का कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे थे, और इसी बीच में अंग्रेजी अधिकारियों की ये हत्या कर देते हैं, और जवाब तो मिलना ही था अंग्रेजों की तरफ से, और अंग्रेजों में जवाब मिला डलहौजी के द्वारा। डलहौजी इस बार युद्ध छेड़ा और ये युद्ध काफी भयावह हुआ जिसमें सिख पूरी तरीके से हार गए और सिख साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने हाथ में कर लिया। दलीप सिंह को बंदी बना लिया गया, और चूंकि वो अवयस्क बच्चे थे, अल्प आयु के थे, तो उन्हें भेज दिया गया ब्रिटेन पेंशनर बना करके। और एक कहानी कहती है कि जब दलीप सिंह ब्रिटेन गए तो वहां ब्रिटेन की महारानी दलीप सिंह को देखकर उसे ममता जाग गया और उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, लेकिन दलीप सिंह के बचपन के एक मासूम याददाश्त में जो एक सीन, एक पूरा का पूरा मंजर छप चुका था, वो निकलना असंभव था, जिसमें उसने देखा अपने सल्तनत को बर्बाद होते हुए, जिसमें दलीप सिंह ने देखा अपने परिवार को बर्बाद होते हुए, अपने माँ को जेल जाते हुए, इन सभी चीजों को दलीप सिंह ने देखा, और कहीं ना कहीं दलीप सिंह के मन में
प्यार नहीं जागा, उसके मन में नफरत ही था और इसका अंजाम भी कुछ बुरा ही होता है, ऐसा कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। वो खैर और बात है, क्योंकि हमारी कहानी भारतीय इतिहास के इर्द गिर्द रखना है, इसी कारण से मैं दलीप सिंह के जीवनी पर अधिक व्याख्या नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कुछ लोग आज भी दलीप सिंह को इस बात का जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि आखिरी में कोहिनूर दलीप सिंह के पास था और लोगों का कहना है कि दलीप सिंह ने भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप वो कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी को दिया। आप ही अंदाजा लगाओ कि जिस बच्चे का बचपना छीन लिया गया हो, उसके पूरे परिवार, खानदान, साम्राज्य को छीन लिया गया हो, उसके कुर्सी, उसके ताकत, उसके सियासत शख्सियत को ही छीन लिया गया हो जिस व्यक्ति के द्वारा, क्या वो बच्चा, वो इंसान उस व्यक्ति से, छीनने वाले व्यक्ति से प्रेम कर सकता है जो उसे उपहार देगा? ये कहानी सरासर गलत है। दलीप सिंह ने नहीं उपहार दिया था, बल्कि अंग्रेजों ने इस कोहिनूर को पंजाब जीतने के बाद दलीप सिंह से लेकर के ब्रिटेन चले गए और अंततः वहां महारानी विक्टोरिया के ताज पर जड़ दिए। तो ये था कुछ कहानी सिखों का। आगे की कहानी में हम लोग और भी कुछ जानेंगे कि अंग्रेजों का कौन कौन सा ऐसा नीति था जिस पर चलकर अंग्रेज समूचे भारत को अपने सिकंजे में कस लिए, पूरे के पूरे भारत को अपने हत्थे चढ़ा लिए। इन सभी कहानियों को जानेंगे हम लोग आगे के वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक पेज, वीडियो को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर से कीजिएगा। और Facebook पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।